भैया कि आपका जैसे मैं अभी आपको हमारा पता लगा, हम तो गांव पर रहते नहीं हैं, आपको पता है कि इधर उधर नेशनल कभी नेशनल स्टेट खेलने जाते हैं, आप कहां दो गए थे दौड़ने अथी खो खो खेलने, वहां से आपको क्या पोजीशन रहा, सिलेक्शन आगे को हुआ या वहीं से आप लोग? सिलेक्शन हुआ है 5 लड़का को। अच्छा, जाना है 7-8 को खेलने पटना में। अच्छा, और वहीं पर खेलने जाना है। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया स्टेट के लिए? हाँ, इसीलिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, और ये बताइए कि आपके गांव से यानी आप लोग ग्रुप में लड़की भी मतलब खो खो की तैयारी करते हैं? लड़की भी है, फाइनल में लड़की हार चुकी है और पाँच लोग लड़कियों की सिलेक्शन हुआ है। 5 लड़कियों का आपके टीम से सिलेक्शन, आपका मतलब ट्रेनिंग दिया हुआ, 5 लड़की का सिलेक्शन हुआ है। और ये बताइए कि जैसे गांव देहात में कुछ लड़कियां है तो जो जैसे नहीं होता है कि माता पिता खो खो लाइन में आने से जैसे लड़की के नहीं होता है कि लड़की के लाइन में नहीं जो, करना जो लड़कियां आती हैं उसी को तैयारी कराते हैं हम, ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस लाइन में आना चाहती हो लड़की या तो लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मोटिवेट मतलब करना चाहते हैं? लड़की इस लाइन में आने से कोई चिंता की बात नहीं, आ सकती है किसी दिन। और देखिए आप लोग ये लड़की आप लोग को बता देखिए, अब जो भी माता पिता है लड़कियां का आने से मतलब इस लाइन में आप लोग डरते हैं कि लड़कियां वो लड़कियां कुछ नहीं, लड़कियां माँ दुर्गा का अवतार होती है, लड़कियां वो कर सकती है जो आप सोचा नहीं है, तो इसलिए आप लोग इस लाइन में जिस लाइन में मतलब लड़की के या लड़का खेल कूद में मन है उस लाइन में जरूर विदा कीजिए, आपका लड़का हो या लड़की बेस्ट करेगा और मेरा सहयोग आप लोग के लिए पूरा रहेगा, आपका भाई हमेशा जहाँ खोजिएगा तहाँ आपका भाई हमेशा खड़ा रहेगा। दोस्त।